प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। सो इस वीडियो में हम लोग क्लोन की बात करेंगे। क्लोन के बारे में एक स्पष्ट समझ होना सामान्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है और ये कह सकते हैं वर्तमान समय में एक प्रमुख टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो रही है। और अगर इसको फुल फ्लेज में विकसित कर दिया जाए तो परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या क्लोन को देखते हैं। पहले क्या होता है क्लोन? क्या क्लोन? पहले समझ लेते हैं क्लोन है क्या। चलिए, आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट हैं तो आपने कभी कोई आपके पास मटेरियल रहा होगा। मटेरियल का मतलब जैसे आप कोई सब्जेक्ट, मैथ का कोई सब्जेक्ट है या विज्ञान का कोई क्या सब्जेक्ट है, और आपको दो चार पेज मिले। अब उसको आपको क्या कराना है, कॉपी कराना है, क्या फोटो कॉपी कराना है। अब आप जाते हैं उसका फोटो कॉपी कराते हैं। अब आपने जो फोटो कॉपी कराया वो क्या है, बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार पहला मटेरियल था जिसका आपने फोटो कॉपी कराया। तो फोटो कॉपी जो आपने कराया वो क्या हुआ, वो सेम क्या हुआ, उसे ही कहते हैं क्लोन। बिल्कुल जीरोक्स क्या है, एक प्रकार का क्लोन ही है। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे भारत सरकार पैसा चलाता है, क्या पैसा चलाती है, 2000, 1000, 5000 सब की नोट है आपके पास। अब ये नोट आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नोट का क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, मतलब सेम उसी प्रकार का नोट बना के मार्केट में भेजते हैं और अपने आप को धनी बनाते हैं। तो ये जो पैसा बनाया भारत सरकार की तरह वो क्या है, वो क्लोन ही है। क्या वो क्लोन ही है। अब हम आते हैं कहां पर, जियो के बारे में। क्या जियो के बारे में, अब जियो में क्लोन क्या होगा। पहले हम समझते हैं कि क्या नेचर में कोई क्लोन बनाने की प्रक्रिया होती है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए, इस नेचर में वही कार्य किया जा सकता है जो नेचर में हो रहा है। नेचर में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसको आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो आप यहां पर पृथ्वी पर केवल वही कार्य कर सकते हैं जो पर्यावरण पहले से ही कर रहा है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। तो नेचर में क्लोन की प्रक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है। जैसे एक कोशिका होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका। या अब इस जीव में स्पेशली आप बैक्टीरिया को रखें, क्या बैक्टीरिया को रखते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, सेम बैक्टीरिया जो जैसे मनुष्य ने बच्चे को जन्म दिया उसी तरह बैक्टीरिया भी क्या करेगा, नए बैक्टीरिया को बनाएगा ना, एक नया बैक्टीरिया को जन्म देगा। तो बैक्टीरिया जब किसी बैक्टीरिया को जन्म देता है तो वो सेम क्या रहता है, क्लोन रहता है। क्या रहता है, बैक्टीरिया जन्म और किसका, बैक्टीरिया का, तो क्या होगा, क्लोन होगा। ठीक है, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की हो गई या प्रोकैरियोटिक जीव की हो गई। अब यूकैरियोटिक जीव, क्या यूकैरियोटिक जीव में आप देखिए, यूकैरियोटिक जीव में आप किसको रख सकते हैं, मानव को स्पेशली रखिए, यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, इसमें आप मानव को रखिए। ठीक है, इसमें मैंने मानव को रख लिया। अभी आपको पी का क्वेश्चन हो गया कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया वायरस हो गए और यूकैरियोटिक जीव में मानव हो गए। अब मानव में देखिए, मानव में क्लोनिंग होती है, क्या मानव में भी क्लोनिंग होती है। जैसे देखिए ये आपकी स्किन है, क्या स्किन, स्किन की कोशिका मान लीजिए, क्या स्किन की कोशिका यानी त्वचा, ये जो आपकी खाल है इसे बोलते हैं स्किन। तो ये स्किन कोशिका है। अब आपकी स्किन कोशिका क्या हो गई, कट गई, कुछ भाग कटकर निकल गया। अब कुछ समय बाद देखेंगे जब वो सही होगा तो नई स्किन आ जाएगी, क्या नई स्किन आ गई। तो स्किन कोशिका ने क्या बनाया, इसके त्वचा कोशिका या स्किन कोशिका ने क्या बनाया, नई जो कोशिका बनाई वो किस तरह थी, वो सेम स्किन कोशिका की तरह रही। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम क्लोन कह सकते हैं, क्या क्लोन कह सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं,
जैसे ब्लड, अब ब्लड ब्लड आपने लिया तो इसमें जल भी है और कोशिका भी है। अब जल वाले भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या? जल वाले भाग को, जो रक्त आपके ब्लड में, आपके खून में जो जल पाया जाता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो कण के रूप में पाया जाता है उसको आरबीसी कहते हैं। अब आरबीसी का निर्माण जो हो रहा है, आरबीसी 120 दिन में मर जाता है। क्या? आरबीसी जो कोशिका है, ये कोशिका ही है एक प्रकार की। क्या है? कोशिका है। अब ये 120 दिन में मर जाता है तो नई कोशिका का निर्माण होता है। क्या? नई कोशिका यानी नई आरबीसी। तो नई आरबीसी का जो निर्माण होता है वो क्या? सेम क्लोन ही रहता है। क्या? क्लोन रहता है। बेटा आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं क्लोन का अगर हमें निर्माण करना है, क्लोन का अगर हमें निर्माण करना है तो कैसे क्लोन का निर्माण कर सकते हैं? क्या कैसे क्लोन का निर्माण कर सकते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने देखा नेचर में कि क्लोन सामान्यतः पाया जाता है। अब हम देखते हैं क्या क्लोन का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम आपका ही लेते हैं। क्या? आपका, ये आप हो गए, ये आप हैं। क्या? ये आप हैं और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या? ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, यानी इसको मैं लिख दूं क्या? मेल। इसको मैं लिख दूं फीमेल। ठीक है, अब इसके सर से एक बाल लिया गया, बाल उखाड़ा गया, तो बाल में भी कोशिका होगी ना। नीचे जो आप देखेंगे सफेद सफेद कोशिका होगी ना, यानी बाल से नहीं, कहीं से भी आपने एक कोशिका ले लिया, यहां से ले लिया, ये यहां से एक कोशिका ले लिया। ठीक है, इससे क्या लिया गया? इससे एक कोशिका लिया गया, ये कोशिका लिया गया, ये हो गया इसका केंद्रक। अब इससे इसे एक कोशिका इससे ली जाएगी, लेकिन कौन सी कोशिका ली जाएगी? फीमेल से, फीमेल से, फीमेल का यग। क्या? फीमेल का अंडा, जिसे अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, फीमेल से क्या ली जाएगी? एक अंडाणु लिया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं ये फीमेल का अंडा हो गया। ठीक है, मतलब अंडाणु, समझ रहे हैं? जैसे पुरुष में देखेंगे तो पुरुष में जो पाया जाता है उसे शुक्राणु बोलते हैं, और महिला में जो पाया जाता है उसे अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिया गया? अंडाणु लिया गया, यानी कि इसकी सामान्य कोशिका को नहीं लिया गया, इसके द्वारा जो अंडा का निर्माण होता है उसको लिया गया, अंडाणु कोशिका लिया गया। और अब ये इसका केंद्रक है। अब क्या किया जाता है? दो कोशिका हो गई, अब आपको क्लोन बनाना है। आप इस वाले केंद्रक को क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, और इस वाले केंद्रक को निकालते हैं, इस वाले केंद्रक को निकाल कर क्या कर देते हैं? बाहर हटा देते हैं, यानी बाहर कर देते हैं इस वाले केंद्रक को। चलो इसको हटा दिया मैंने, यहां पर देखिए अब तीसरा क्या हुआ? यह है महिला का अंडाणु, और इससे इस वाली कोशिका को क्या कर दिया गया? इस वाले भाग को, बीच वाला केंद्रक, केंद्रक को हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि ऐसा कर दिया गया, और उसके बाद इस केंद्रक को क्या किया गया? निकाला गया। क्या? निकाला गया यहां पर, और इसमें क्या कर दिया गया? इसमें फिट कर दिया गया, इसके अंदर कर दिया गया। यानी ये भाग तो अंडाणु हो गया महिला का, और बीच वाला भाग क्या हो गया? केंद्रक हो गया। किसका? यहां से जो लिया गया था मेल से, यानी कोशिका, कोई भी कोशिका हो सकती है, कोई भी कोशिका यानी शरीर से कोई भी कोशिका ले सकता है, शुक्र आपको शुक्राणु नहीं लेना है, लेकिन कोई भी कोशिका ले सकते हैं। अब यह हो गया, अब यह क्या करेंगे? यहां पर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल फ्यूजन देना होगा, यानी मामूली रूप से आपको थोड़ा इसमें विद्युत का क्या करना होगा? इन्फ्यूजन करना होगा। अब यहां पर क्या किया गया? थोड़ा विद्युत का इन्फ्यूजन कर दिया गया। क्या किया गया? विद्युत। ठीक है, विद्युत का इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा इसमें विद्युत का क्या किया गया? प्रवेश किया गया। अब ये जो कोशिका है, जैसे थोड़ा विद्युत का प्रवेश किया गया, ये क्या करने लगा? ये विभाजित होने लगा। क्या? विभाजित होने लगा। अब ये एक कोशिका कैसे दो बनी, दो से चार बनी,
और 4 से 8 ऐसी बनती चली गई। इसको क्या किया गया? इसको यहां लाया गया। कहां? यहां। और इसके गर्भ में क्या किया गया? स्थापित किया गया। क्या? गर्भ में स्थापित। ठीक है, गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब गर्भ में जब स्थापित किया गया, उसके बाद क्या? बच्चे का निर्माण शुरू। क्या? जीव का निर्माण शुरू। अब जो जीव होगा, जो ये महिला बच्चे को जन्म देगी, जैसे यहां पर मैं बनाता हूं, यहां पर इस बच्चे को क्या दिया? जन्म दिया। क्या दिया? जन्म दिया। तो ये बिल्कुल किसके तरह होगा? जिसका केंद्रक होगा। क्या? जिसका केंद्रक होगा, बिल्कुल जीरोक्स, कोई अंतर होगा ही नहीं। जिस तरह का हेयर स्टाइल, जिस तरह का सब कुछ, मतलब सेम, चेहरा मोहरा सब कुछ सेम, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये आपका केंद्रक लिया गया था, तो किसका जन्म हो गया? आपका जन्म हो गया, यानी आपका क्लोन बन गया, आपका क्लोन बन गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक प्रोसेस हो गया क्लोन बनाने का। पहली बार अगर हम देखें किसका क्लोन बनाया गया, क्या पहली बार किसी भी जीव में अगर देखें, तो पहली बार जो क्लोन बनाया गया वो किसका था? देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। पहली बार जो क्लोन बनाया गया किसी भी जीव का, उसे बोलते हैं सी आर्चिन। सी आर्चिन क्या है? एक प्रकार का समुद्री पौधा है। क्या? समुद्री पौधा है। सबसे पहले इसका क्लोन बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे क्लोन बने। उसमें प्रथम क्लोन था किसका? अब मैमल में, मैमल में स्पेशली मैमल मिले, तो पहला क्लोन भेड़ देखिए। ठीक है, पहला जीव का क्लोन मैमल में देखे तो यहां पर हुआ। कब हुआ? 1996 में, 1996 में बनाया गया। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड में। क्या इंस्टीट्यूट है? रॉसलिन। क्या? रॉसलिन करके इंस्टीट्यूट है, रॉसलिन। कहां पर? स्कॉटलैंड में। उन्नीस सौ छियानवे में। और यान बिलमेट, यान बिलमेट के नेतृत्व में इस भेड़ का क्लोन बनाया गया। और उस भेड़ का क्लोन जब बनाया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? डॉली। क्या? डॉली। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मैमल जो क्लोन था उसका नाम क्या है, तो बताना है आपको डॉली। और उसके बाद कब उसे बनाया गया? 1996 में, ये भी पूछा जाता है। उसका डेथ कब हुआ, यह भी पूछा जाता है। 2003 में उसका डेथ हुआ। अभी अगर क्या मानव क्लोन बनाना गैर कानूनी है, यानी कि आप मानव क्लोन नहीं बना सकते। ठीक है, अब मानव क्लोन क्यों नहीं बना सकते, इसको आप समझ लीजिए। क्या क्यों नहीं बनाना चाहिए? स्पेशली बना तो सकता है चाइना, हो सकता है वो बना रहा हो। क्या? चाइना हो सकता है बना रहा हो, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या भारत के पीएम का, ये भारत के पीएम है। ठीक है, अब ये भारत के पीएम है तो इनकी एक कोशिका प्राप्त करना बड़ा टफ काम नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया में बिकने को सब तैयार है। जब बिकने को सब तैयार हैं या नहीं बिकने को तैयार हैं, अब ये किसी देश की क्या करते हैं, विजिट करते हैं, जैसे चाइना की विजिट करते हैं, चाइना में जाते हैं, चीन में। और वहां जब जाएंगे रहेंगे तो एक कोशिका इनकी शरीर से मिल जाएगा, उसमें एक बट है नहीं, कहीं एक बाल निकल गया, कुछ भी हो सकता है, या कहीं कुर्सी पर बैठे थोड़ा सा कुछ हो गया, तो एक कोशिका इनका लिया जा सकता है, समान सी बात है। अब चाइना ने किसी तरह एक कोशिका प्राप्त कर लिया, किसका? नरेंद्र मोदी का। अब क्या किया, इसमें से उन्होंने केंद्रक निकाल कर क्या किया, दूसरे इसमें से क्या किया, ये केंद्रक निकाल कर क्या किया, किसी महिला के अंडाण में स्थापित किया, और उसके बाद इलेक्ट कर फ्यूजन उसमें किया, विभाजन होने लगा और महिला के गर्भ में स्थापित किया, और फिर उस बच्चे का जन्म दिया। उसमें ऐसे ग्रोथ
ग्रोथ से संबंधित कुछ ऐसा उन्होंने परिवर्तन किया बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए। अब नरेंद्र मोदी तैयार हो गए, एक तो नरेंद्र मोदी यहाँ बुढ़े हैं, एक नरेंद्र मोदी उधर तैयार हो गए। अब हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया हो कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ हो गया, अब और वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह दिखने लगे। अब दोबारा फिर होता है चीन में क्या, दोबारा फिर होता है क्या चीन में इनका दौरा, और नरेंद्र मोदी वहां पहले से हैं। भारत के नरेंद्र मोदी को क्या कर लिया गया, वहां इधर उधर कहीं सेटल कर दिया गया और दूसरे नरेंद्र मोदी आ गए। तो ऐसे बहुत सारे क्लोन बनाए जा सकते हैं क्या, बहुत सारे क्लोन बनाए जा सकते हैं। तो उन क्लोन का क्या हो सकता है, बहुत गलत प्रयोग हो सकता है क्या, बहुत गलत प्रयोग हो सकता है। तो गलत प्रयोग होगा नो डाउट, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो इसलिए मानव के क्लोन को क्या बनाना गैर कानूनी है, विश्व स्तर पर मानव का क्लोन सामान्यतः नहीं बनाया जाता। हाँ, अन्य जीवों का क्लोन बनाया जा सकता है, भारत में भी बहुत सारे क्लोन बने हैं। जैसे आप करनाल में देखेंगे, करनाल में एक इंस्टीट्यूट है, तो करनाल के इंस्टीट्यूट में गाय भैंस का क्लोन बनाया गया है। तो अन्य जीवों का क्लोन बनाया जा सकता है, लेकिन मानव का क्लोन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उससे बहुत ही क्या घातक परिणाम होगा, क्या घातक परिणाम होगा। सो ये था क्लोन के बारे में साधारण समझ। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।